कैसे हो आप सब आई आप सभी के सभी बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे सो so, आज की वीडियो का टाइटल है मैन ओ सलवा का वाक्य मनो सलवा का वाक्य कौन है इस वीडियो को तभी पता लगेगा ऐसा तो कुछ पता नहीं लगा सो बहुत अमेजिंग वीडियो हो सकती है मे बी ये और होगी भी तो फूड ऑफ हेवन है इसको प्ले करते हैं आसमान से उतारा गया एक oh, लजीज okay. और मुआजाती गज़ा ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था ने? क्या ये गजा जन्नत से आया था oh. या जमीन पर पैदा हुआ था बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है hmm. oh. जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से निजात दे दी तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फिरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्ग हो गया जब हज़रत मूसा को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज मुक़दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी लेकिन उस वक्त अर्ज मुक़दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और नहाय ही जालिम लोग थे हज़रत मूसा सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए जिनकी तादाद छ लाख थी लेकिन जब ये लोग अर्ज मुक़दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गई और बुजदिली पैदा हुई उन्होंने हज़रत मूसा से कहा इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत ज़ोर आवर और ज़बरदस्त हैं लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगज़ वहाँ दाखिल ना होंगे यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से यह कह दिया कि ए मूसा आप और आपका खुदा जाकर उस जबरदस्त कौम से जंग करें हम तो यहीं बैठे रहेंगे उनके इस रवैये से हजरत मूसा को बहुत सदमा हुआ लिहाजा अल्लाह ने उन्हें यह सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ चालीस सालों तक वो भटकते रहे मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके इस मैदान का नाम मैदान तिया था जो सत्ताईस मील के रकबे पर मुश्तमिल था रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सब का सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम तोबा व इस्तार करने लगी और माफ़िया मांगने लगी मैदान तिया में होने वाले इस सख्त इम्तहान और मुश्किल को देख कर हज़रत मूसा को अपनी कौम पर रहम आया आपने अल्लाह के बारगाह में उनके लिए दुआ की लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अतएँ और नमत नाजिल फ़रमाईं जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा तो उस चट्टान से बनी इसराइल के बारह कबीले के लिए बारह चश्मे जारी हो गए चूंकि ये वादी वसी मैदान पर फैला था वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिस से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी उनही इनायतों और नेमतों में एक नेमत सलवा था दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से दो किस्म के गजा उतारे थे एक का नाम मन और दूसरा का नाम सलवा था मन शहद जैसी मीठी गजा थी इंजील के किताब खरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है जैसा कि पाले के दाने होते हैं बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे मन यानि ये क्या है तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही गज़ा है जो खुदा खुदा ने तुम्हें खाने को दी है और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते जो हर शख्स के लिए तकरीबन चार किलो उतरती थी जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन के खुराक से महरूम रहता था और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हजूम के हजूम बनी इसराइल के खेमों के करीब आकर बैठ जाते लिहाजा वो लोग उन्हें बा आसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते मन सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हज़म हो जाता था रंग खुशबू और जायके में बेमिसाल था इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मुआवजा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे ना कपड़े फटते ना ही मैले होते और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था इस तरह इस वादिय में बनी इसराइल मन और उन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग मन को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ इसका जखीरा ना करना मगर बाज़ लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन वसलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे चुनाचा उन लोगों ने मन में से कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया लिहाजा अदीस मुबारक में रसुल्ल ल्लाह वसम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख़ से शुरू हुआ ओ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था दुनिया के मुख्तलिफ़ कौमों और मज़हबों में भी आसमान से उतरने वाले ग़ज़ाओं का जिक्र मिलता है बुद्ध मत के रवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर ख़त्म हो जाता है तो आसमान से ग़ा बरसने लगती है इसी तरह हिंदू मज़हब के पुरान ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी बादलों से शहद बरसने का जिक्र मिलता है और कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी ग़ा का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग दूध की तरह सफ़ेद हो जाता हमने देखा कि खुदाए बरहक ने बनी इसराइल के निजात के लिए समुंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया वादिय तिया में उनके लिए बादल का साया भेजा उनके पीने के खातिर चटियल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मन भी नाजिल किया लेकिन इन तमाम निमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्ल न किया उन्होंने खुदा के मुआजात को अपने आंखों से देखा था से लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थी हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो ये याद रखनी चाहिए कि उन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं इसी तरह रिस्क के खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि खुदावंद पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिस्क अता करता है सो गाइज ये था वाक्य मन और सलवा एक मतलब कि खा एक तरह का खाना, खाना था सलवा तो वो एक कोई पंछी थे है ना जिनको वो शाम को पकड़ के खाते थे और मन था वो जो आसमान से आता था और रुई की तरह बन के कैंडी जो होती है ना कॉटन कैंडी उसकी तरह फंस के उसको खाते थे सो बनी स्टाइल ने बहुत बुरा कहता कि हजरत मूसा की बात ना मान के हालांकि हजरत मूसा ने उनको फिर रोन हाँ। के लश्कर से बचाया था और उन्होंने उनकी उस बात को ना देखते हुए उनका साथ देने के लिए मना कर दिया सो ऐसा अजाब उनके ऊपर है कि वो

तो बाकी ये था वाक्य और किस किस को ये वाक्य पसंद आया जरूर बताना कमेंट्स में और किसने ने हमारे साथ पहली बार सुना ये भी जरूर बताना गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग